नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आपका स्वागत है दीक्षा रिसेंट यूट्यूब चैनल पर। देखो, एक नया नोटिफिकेशन आया है, तो सभी लेटेस्ट वैकेंसीज जो भी आते हैं हम लोग अपडेट कर देते हैं, तो ज़रूर प्लेलिस्ट बना हुआ है वो ज़रूर देखना। हर नोटिफिकेशंस का अपडेट आपको मिलता जाएगा। तो देखो, ये नोटिस जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से है, JEE जो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और है, ये 2019 का नोटिफिकेशन है। तो आप देख सकते हो जो ये चालू होगा सबमिशन ऑफ ऑनलाइन, ये 13 तारीख से स्टार्ट होकर 12 सितंबर तक चलेगा, और दिस आर द डेट्स। और अगर एग्ज़ाम की बात करें तो वो बाद में आपको बताया जाएगी, ठीक है। अभी भी टाइम है, तो वो अभी क्योंकि अभी तो जस्ट इसका पेपर 1 का 2018 का ही रिज़ल्ट आया है, तो ये अभी जो है आप भर दो, ये प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये डेट बाद में आएगी। और ज़रूर जितना जल्दी हो, क्योंकि कभी ना कभी दिखा जाता है जब बाद में करने से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो जितना जल्दी हो वो भर देना। और बात करो तो देखो, ये लेवल 6 में आती है, तो अच्छे खासे सैलरी भी आ जाती है। तो इसके बाद में हम लोग जो है एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप चाहते हो तो इसका सैलरी स्ट्रक्चर, इसकी प्रमोशनल जॉब्स एस्पेक्ट के ऊपर वीडियो अगर आप चाहते हो ज़रूर मुझे कमेंट कर देना। तो देखो, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, इतने पोस्ट हैं, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो, वाटर कमीशन है, CPWD है, मिलिट्री इंजीनियरिंग है, फरक्का बैरेज है, बॉर्डर BRO जो है वो टफ जॉब रहता है, सेंट्रल वाटर एंड पावर, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी है। वैकेंसीज अभी तो नहीं बताया, बाद में बता दिया जाएगा। तो और देखो, BRO उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत टफ होता है, वो देख लेना, वो सभी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। यहाँ पे देखो, दे भी दिया है, रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर BRO, ठीक है, ये ज़रूर है। BRO में ये टफ है थोड़ा सा जॉब करना। अच्छा, उसके बाद देखो, एज लिमिट जो है 1/1/2020 बोला गया है, ठीक है, तो इसमें जो है आपका एज होना है, और दिस आर द एज लिमिट जो आपको अप टू 32 ईयर्स देख रहे हो, एज लिमिट जो दे दिया गया है, तो 30-32 है ऑलमोस्ट सभी में, 30 एंड 32 ईयर्स ही सभी में है। और उसके बाद रिलैक्सेशंस भी हैं सभी को, जो यूजुअली हर इसमें रहता है। इसके बाद देखो, इम्पॉर्टेंट हम लोग चले आते हैं इसमें, सर्टिफिकेशन जो भी है वो बनाना है। अच्छा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लो, वो भी 1/1/2020 तक, डिग्री और डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, अगर आप सिविल की चाहती हो तो मैकेनिकल का मैकेनिकल, सिविल का सिविल, तो और यहाँ पे देखो ये दोनों में, लेकिन डिग्री और डिप्लोमा, डिग्री इन डिप्लोमा, बट इसमें आपके डिप्लोमा ही चाहिए, इसमें डिप्लोमा ही चाहिए, ठीक है। और इसके बाद देखो, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, और 3 ईयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन MES के लिए। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, वो देख लो, वो देख के आप भर देना, ठीक है। सभी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस लगा हुआ है, और एकदम क्लियरली बोला गया है। अच्छा, उसके बाद देखो, फीस की बात करें तो वो 100 रुपीज़ है, और SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है नहीं लगता है, CPWD मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एंड एक सर्विसमैन भी एग्जेम्प्टेड है, तो ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का दिया हुआ है। उसके बाद देखो, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है, जो रीजन से आप भरना चाहते हो भर दो, और सेंटर आपका चूज़ कर लेना। उसके बाद देखो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अगर आप बात करें, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है, पहले आपका जो होगा 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, और पेपर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। अब पेपर 1 में क्या क्या आता है ये समझ लो, 2 घंटे की एग्ज़ाम है, जनरल इंटेलिजेंस है, 50 क्वेश्चंस होंगे 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस है 50 क्वेश्चंस 50 नंबर के, फिर एक पार्ट ये है जनरल इंजीनियरिंग सिविल और स्ट्रक्चर, और पार्ट बी जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, तो ये कोई भी आप एक चूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, हाँ ठीक है, तो इसमें देखो 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स की, तो ये हो जाएगा, इसका डेट बाद में आ जाएगा। तो ये टोटल 2 घंटा में आपको जितना मार्क्स ला सकते हो ये है। उसके बाद देखो, आता है डिस्क्रिप्टिव, तो वो क्वालिफाइंग है, और ये डिस्क्रिप्टिव ही आपकी जो है मेन आ जाएगी। पेपर 1 पेपर 2 फॉर कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट ओनली द पार्ट एज पर ऑप्शन गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म में, जो भरे हो वही आपका देगा। अच्छा, पेपर 2 समझ लो डिस्क्रिप्टिव होगा, इसका भी डेट बाद में आएगा, रिटन एग्जामिनेशन है, पार्ट ए सिविल इंजीनियरिंग है, पार्ट बी और देखो कोई भी एक आपको देना है, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, 300 का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, मतलब पूरा आपका जो सब्जेक्ट है वही आएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, पेपर 1 जो है ऑब्जेक्टिव हो मल्टीपल, और ये क्वेश्चंस बोथ इंग्लिश और नेगेटिव 0.25 है इसमें,
टेंटेटिव आंसर की आ जाएंगी। अच्छा इसमें ओके मार्क्स स्कोर्ड बाय पेपर वन विल बी नॉर्मलाइज बाय यूजिंग द फॉर्मूला, देखो नॉर्मलाइज हो जाएगा एंड नॉर्मल्स विल बी यूज टू डिटरमिन फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क। ठीक है फाइनल मेरिट और कट ऑफ मार्क होगा। पेपर टू विल हैव द रिटन एग्जाम पार्ट पेपर रिटन इन हिंदी एंड इंग्लिश उसको आपको नहीं मिलेगा। पेपर टू कैंडिडेट मस्ट राइट देयर करेक्ट रोल नंबर, वो सब आपको तो देखना ही पड़ेगा नहीं तो नहीं होता है। कैंडिडेट स्ट्रिक्टली एडवाइज नॉट टू राइट एनी आइडेंटिटी, वो तो नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे मेरिट जो होगा वो हिंदी, अच्छा यहाँ पे मेरिट का क्या बताया है, ठीक है चलो ये अच्छा। अब सिलेबस देख लो, ये सिलेबस है, इंडिकेटिव सिलेबस है, तो ऑलमोस्ट पूरे सिलेबस लेकिन कवर कर लेना, पूरा सिलेबस ही जो है उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो ये पूरा सिलेबस देख के उसके बाद प्रिपरेशन, बेसिकली आपके डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में जो पूरा सिलेबस है वो ही 3-4 साल का जो पूरा है वो दिया हुआ है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा डिटेल में। ठीक है तो इसका थोड़ा सा पेपर टफ रहता है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी है। अच्छा चलो अब इम्पॉर्टेंट, ये तो सभी कार्ड्स है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस भी है। ओके पोस्ट प्रेफरेंस दे देना, वो डिटेल अवेलेबल एनेक्स इसमें है। मोड ऑफ सिलेक्शन अब देख लो, हाँ यहाँ पे देखो मिनिमम जो है पेपर वन एंड पेपर टू आर फॉलो, जो यू 30-25 ये आपको लाना ही है। बेस्ड ऑन द नॉर्मल स्कोर पेपर वन कंप्यूटर बेस्ड कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करा जाएगा पेपर टू में। अच्छा बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ, अच्छा पेपर वन का भी मार्क्स क्वालिफाइंग नहीं है। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ पेपर वन एंड पेपर टू कैंडिडेट विल बी सॉलिसिटेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब आपका पेपर वन और पेपर टू दोनों ही स्कोरिंग है, दोनों में अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा, उसके बेसिस में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और फाइनल सिलेक्शन एलोकेशन होगा विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन पेपर वन एंड पेपर टू एंड द परफॉर्मेंस ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा। मतलब पेपर वन और पेपर टू दोनों का मार्क्स होगा, पेपर वन क्वालिफाइंग नहीं है, दोनों का मार्क्स आपका ऐड होगा। ठीक है तो ये देखना चाह रहे थे। उसके बाद बीआरओ का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो और देखो डिटेल्स और उसके बाद कुछ नहीं है उतना इम्पॉर्टेंट, ये सब तो नॉर्मल सही है। उसके बाद देखो जो भी एनेक्चर्स है वो देख लेना, जैसे फिजिकल लिमिटेशंस की एनेक्चर्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो सभी जो है एनेक्चर्स यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा, तो आप सभी एनेक्चर्स देख लेना, देख के भर देना। कैसे भरना है सब डिटेल्स में आपको यहाँ पे दे हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल में बताया गया है, थोड़ा सा देख के आप भर देना, और सभी यहाँ पे दिया हुआ है एनेक्सस। ठीक है तो चलो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।